आप हमारे एमपी हैं तो सवाल हमसे कैसे करोगे? जुगल जी मेरा एक सवाल आपने देखा कल पार्लियामेंट में भाजपा के नेताओं के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज किया कि उन्होंने डिजास्टर एक्ट के खिलाफ वहां पर 40 से 50 भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और रविंदर रैना जो भाजपा के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के उनके खिलाफ एक कंप्लेंट जो है वो आरएसपी में दर्ज किया। मेरी बात सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलता है तो उसको परेशानी है और आगे अगर बाहर निकलता है तो उसको परेशानी है। ये जनता है महाराज, ये अपने अपने हिसाब से जो जिसको फिट बैठता है वैसे ही बात करता है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी या पूर्व मंत्री या भाई के जो कार्यकर्ता थे वो भी जायजा लेने गए थे अपने कार्यकर्ताओं सेवा ही संगठन के नाते कार्यकर्ता किस तरह से कोविड पेशेंट की मदद कर रहे हैं, कहां कहां दवाइयां पहुंच रही हैं, कहां कहां लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को वैक्सीन हो रही है या नहीं हो रही है, और उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए ही सारे कार्य किए हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं इन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपना काम किया, हमें उससे कोई दुविधा या परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है और काम करता रहेगा, और हम चाहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। हम सब राजनीतिक लोगों को इकट्ठा होकर जैसे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ऐसे काम करना चाहिए। जब इलेक्शन आएगी राजनीति करेंगे, अब राजनीति ना करें, लोगों के जान बचाने का प्रयास जो है वो सब लोग हम इकट्ठा होकर मीडिया की अगर बात करूं तो पहले दिन से ही मीडिया जो है बिंग एज अ फ्रंटलाइन कोरोना वरीज अपनी जान को जोखिम में रखकर जो है वो तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रही है, अस्पताल में पहुंच रही है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया को वैक्सीन लगाने के लिए लाइनों पर लगना पड़ रहा है, अपने स्लॉट बुक करवाने पड़ रहे हैं। क्यों जम्मू कश्मीर की मीडिया को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों बिंग एज अ फ्रंटलाइन कोरोना वरीज उन्हें घोषित नहीं किया जा रहा है? नहीं ऐसा देखिए, कहीं कोई जानबूझ कर तो नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कई बार कोई बात ध्यान में नहीं आई होगी, लेकिन अब आपके ध्यान आपके माध्यम से हमारे भी ध्यान में आई और सरकार के भी ध्यान में आई होगी। हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे, ये जो मीडिया पर्सन है ये हम सब की बात लोगों तक पहुंचाते हैं और इनको वैक्सीन प्रायोरिटी में लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतुल डुल्लू जी का एक बयान है कि मीडिया को भी आम जनता की तरह ही लाइन में लगकर किसी को प्राथमिकता नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं मुझे लगता है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मीडिया को भी उसी श्रेणी में लेना चाहिए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों ने दर्जा दिया। मैं भी कह रहा हूँ भैया, मीडिया को भी उसी श्रेणी में लेना चाहिए, कोरोना वॉरियर्स के श्रेणी में लेना चाहिए और प्रायोरिटी में वैक्सीन जो आप इनिशिएटिव लेंगे कि मीडिया को ऐसा बिल्कुल मैं पूरा इनिशिएटिव लूंगा और आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा कि भाई आप लोगों को प्रायोरिटी में जो है वो वैक्सीन लगे, क्योंकि आपको तरह तरह के लोगों के बीच हॉस्पिटल में भी जाना है और बाजार में भी जाना है और इंटरव्यूज भी लेने हैं, बहुत काम करना पड़ता है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपका बहुत बड़ा सहयोग जो है इस समाज को मिल रहा है, तो इसलिए आपको वैक्सीन जो है वो लगे और प्रायोरिटी में लगे, ऐसा मेरा मानना है और मैं ये बात ऊपर भी रखती हूं। जी बाबू शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वो कमी हो रहा है, क्या लगता है आपने अलग अलग अस्पतालों का भी दौरा किया, क्या लगता है कहां कमी रह गई, या प्रशासन को आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि भाई प्रशासन द्वारा दिन रात युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, हमें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं या दूसरी जो बहनें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि भाई ये कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो ऐसा इतना बड़ा और भयानक बढ़ गया कि भाई सबको संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और सुविधाएँ भी जो हैं वो बढ़ रही हैं और 125 के करीब बेड जो है वहाँ भी हमने बड़े हैं। अब 25 तारीख को आप सब जानते हैं कि DRDO द्वारा 500 बेड का हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल जो है वो निर्मित किया जा रहा है और 25 तारीख को वो हॉस्पिटल जो है वो चालू हो जाएगा, और उसमें उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो आपकी शिकायत है कहीं से शिकायत नहीं आएगी और पूरी सुविधाएं जो है बहुत। किशोर जी, जहाँ पर 70 से 80 पेशेंट को अटेंड करने के लिए सिर्फ मात्र 2 नर्सें हैं, आखिरकार नर्सिस का स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? ऐसा है कि आपकी अगर बात मान ली जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी परेशानी होगी और परेशानी का सामना करना पड़ता है, और आज जो है हर जगह पर कोविड पेशेंट है, हर गांव में कोविड पेशेंट है, हर ब्लॉक में कोविड पेशेंट हैं, और ये जो प्रकोप अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है इसका हम सबको मुकाबला जो है वो करना होगा। रही बात जो आपकी आप कह रहे हैं, इस मैं भी मानता हूँ कि स्टाफ की कमी रही है, जो कि
जिसका शायद नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन अब हम जानते हैं सारे कि भाई यूटी प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके आधार पर हर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये जो डॉक्टर्स हैं एमडी डॉक्टर्स हैं जिनके अभी नौकरी नहीं लगी है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, नर्सेज हैं या दूसरे लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं, सबके इंटरव्यूज हुए हैं और आज कल दो चार दिन में उन्हें जो है वो काम पर बुला लिया जाएगा और जो कमी पेशी है उसे दूर किया जाएगा। जुगल जी, एक आखिरी सवाल आपसे और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए जहां पर आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मीडिया वाले